इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। जी हां, इंदौर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जी हां, एरोड्रम थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। एक साल से पत्नी और भांजे के अवैध संबंध जारी थे और पत्नी और भांजे ने मिलकर की पति की हत्या। इसी से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए चलते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता राम बहादुर जी के पास। बताइए क्या है पूरा मामला। भूमिका जी, जी। मृतक के साथ देवेंद्र के रूप में हुई है जी। ये बाणगंगा में कंट्रोल में काम करता था। इसकी पत्नी नेहा जी और इसका भांजा, इनके बीच जो अवैध संबंध थे, भांजे का नाम विक्की पता चला है। ये दो दिन पहले अपने बच्चों से मिलने के लिए इसकी पत्नी के पास गया था जी। उसी दरमियान में वाद विवाद हुआ और भांजे ने घर में पकड़े खींच लिया और इनकी मार इनको इसको मारा इन लोगों ने। वो मारने हत्या करने के बाद इसको वहाँ पुल के नीचे फेंक के आए थे। इसमें बताया जाता है कि जो देवेंद्र की पत्नी नेहा है और भांजा विक्की, इनके बीच में अवैध संबंध चल रहे थे और इसी के बीच इन ये भाग के नेहा ने विक्की के साथ रहने लगी। इस घटना में उसकी बहन, मृतक की बहन गायत्री का भी हाथ बताया जाता है। इसकी स्नात इसके भाई आत्माराम ने करी थी। ये दो दिन से लापता था। जब ये थाने में गए तो इनको पता था कि भाई की हत्या हो गई है जी। भूमिका जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद जी। भूमिका जी, ये कौन है आपके जो मरे थे? ये भाई था मेरा, छोटा भाई पप्पू। फिर क्या हुआ कल इनके संग? उनके साथ में दुखद घटना हुई है। नहीं, किन्ने कराई है ये कृत्य? किन्ने कराया की धर्म पत्नी नेहा, हाँ, और इसका भांजा। क्या नाम भांजे का? विक्की। अच्छा, तो ये घर से कब निकले थे? ये परसों के दिन निकला था दोपहर में। अच्छा, क्या कह गए थे? जा रहे हैं, फिर वापिस नहीं आया। फिर आप कैसे सूचना मिली है? यार बाबा, सामने देखो दादा, सामने सूचना। जब मैं थाने पे गया तो इन लोगों ने, काली भैया ने सूचित करा मेरे को। अच्छा, कि तुम्हारे भाई के साथ में ऐसा ऐसा हो गया। जब गया उधर, जब पता चला मेरे। अच्छा, क्या काम करते थे भैया? कंट्रोल पे काम करता था। अच्छा, कितने बच्चे इनके? दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की। तो भांजे संग भाग गए इनकी बीवी? हाँ। कब से कब भागी थी? हो गए हैं इस बात को करीब सालक भर से इनका रिलेशन चल रहा है। अलग रह रहे हैं, जाते हैं आते हैं। अच्छा, अलग रहते हैं। अच्छा, आपका नाम बता दो। आत्माराम है। तुम्हारी बहन का भी नाम बताओ ना। है? तुम्हारी बहन का भी नाम बताओ ना। साथ में उसकी बहन है, लड़के की माँ विक्की की। आप कहाँ रहते हो? मैं सिर्फ कंट नगर रहता हूँ।